हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं अपने ही गांव में एक टूर्नामेंट हो रहा है जो कि क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, आप सब लोगों को पता ही है, हम सबका फेवरेट है। तो वो अभी चल रहा है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं रोड के बगल में हूँ और ये घर मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। तो सामने आप देख सकते हो एक फील्ड जो कि हमारे ही ग्राम सभा में है, और ये फील्ड का नाम जो है मुक्तेश्वर महादेव, अभी नया नया नाम रखा गया है इसका, क्योंकि इस साल उद्घाटन हुआ था इसका क्रिकेट मैच का। तो काफ़ी बड़ा मैदान बनाया गया है इसको, अभी और भी काम होना बाकी है। तो हल्की हल्की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे इसमें कमेंट्री की। तो यार एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोग को, वैसे मेरे घर से भी पूरा साफ सुनाई देता है आवाज़, तो मुझे वैसे जाने की ज़रूरत थी नहीं। तो कमेंट्री वगैरह की कौन सी टीम जीत रही है, कौन कितने रन हो गए, सारी मतलब आवाज़ घर में ही पहुंच जा रही थी, क्योंकि मेरा घर जो है उस नज़दीक ही है उसके। तो बट हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा लाइव जाके दिखा देते हैं, क्योंकि आज है फाइनल वहाँ पर, तो काफ़ी जनता दिखाई दे रही है फ़िलहाल। तो अभी मैं और सैम जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे पैदल यहाँ से नीचे अपने घर से, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता होगा, बट इसका थोड़ा काम था इधर दुकान का, तो इस वजह से हम लोग बाइक में जाने वाले हैं। तो अभी निकलते हैं अब, और मैं कह नहीं सकता वहाँ जाके मैं कुछ बोल पाऊँगा या आप लोग सुन पाएंगे या नहीं, क्योंकि माइक की आवाज़ है और थोड़ा डीजे वीजे गाने वाने आज चल रहे हैं वहाँ पर। तो देखते हैं, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। तो चलते हैं अभी। वैसे तो हमारे जाने तक वहाँ तक अभी एक पारी खेल चुकी होगी, हम लोग वैसे ही लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, फिर भी चलते हैं और देखते हैं लाइव क्रिकेट मैच पहाड़ों के। तो गाइज मिलते हैं सीधे ग्राउंड में। सो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, जस्ट ऊपर आवाज़ सुन रहे होंगे गाने की आप। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भीड़ दिखाता हूँ अभी। तो ये है हमारी गाड़ी, और ये देख सकते हो गाड़ियों की भीड़ यहाँ पर, पूरा वहाँ तक गाड़ी लगी हुई है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी जनता आई हुई है यहाँ पर लग रहा है। ऊपर देख सकते हो अभी रास्ते में हम लोग, और गाड़ियों की अभी भी कतार लंबी लगी हुई है यहाँ पर। तो यार चलते चलते रास्ते में एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मेरे जस्ट सामने है आदर्श जूनियर हाई स्कूल दाड़ीमा, तो इसने और मैंने इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो 8 तक है ये स्कूल। सो इसी के जस्ट ऊपर है हमारा फील्ड जहाँ पर मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, पहुँच चुका हूँ मैं फील्ड में, और ये फील्ड अभी बन ही रहा है, ये तो जिला स्तर में पहुँच चुका है फील्ड। तो अभी इसमें और अच्छा यहाँ पर ऊपर रूम राम बनने वाले हैं, तो ये पूरा फील्ड है, और यहाँ पर अभी स्कूल के बच्चे भी हैं, काफ़ी लोग खेल रहे हैं अभी। तो एक पारी खेल चुके हैं यहाँ पर, तो हम लोग हो गए लेट अभी। तो 200 कितने रन है? 210 रन, 210 रन लोगों ने बनाए हैं, तो दूसरी और पारी को सागर राव जी के 211 रन चाहिए उन लोगों को। तो दूसरी पारी में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये है हमारा दाड़ीमा ग्राम सभा का फील्ड, काफ़ी बढ़िया है, और आज मौसम भी आप देख सकते हो बादल है काफ़ी, और पूरी जनता जनार्दन देख सकते हो आप लोग, ऑडियंस यहाँ से लेके वहाँ से लेके वो पूरा आप देख सकते हो, काफ़ी जनता है आज। सो गाइस दूसरा दूसरी जो इनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, और अभी हम लोगों ने अपनी जगह पकड़ ली है। तो जैसा कि यहाँ पर T20 मैच चल रहा था, तो वैसे तो 15-15 ओवर का मैच हो रहा था यहाँ पर, लेकिन जो आज फाइनल है वो 20-20 ओवर का है। तो पहली इनिंग्स ने काफ़ी रन बना दिए हैं, और दूसरी इनिंग्स अभी जस्ट आ चुकी है मैदान में। तो जैसा कि कमेंट्री सुन रहे हो आप, तो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ यहाँ से कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पर हैं, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, सो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है,
और यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। जिला पंचायत सदस्य हम लोग क्योंकि उनका अच्छा सहयोग लगातार रामगढ़ से लेकर तारी माता काफी ऑडियंस आई हुई है यहाँ पर। पूरे जंगलों के ऊपर ऊपर सब लोग बैठे हुए यहाँ पर और यहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया मस्त दिखता है। सो अब चलते हैं मैच की ओर। पहली गेंद बारह रन बनाने होंगे यहाँ पर, एक बड़ा लक्ष्य है इस टूर्नामेंट का। अगर देखे सबसे हाई से स्कोर हुआ है इस समय कहते और इसी भी तैयार के पहला विकेट। सर पहले ओवर में पहला विकेट गिर चुका है, एक विकेट आउट हो चुका है। क्या हो गया, लग गई क्या? लग गई सेक किलो। ओए आ गए कैच। क्या है, एक ही रन है। ओए बचा यार, अभी का पड़ती तो छक्का ज्यादा। ओए काबड़ी, एक ही रन है यार। ओए क्या थी, वाइट का इशारा आता है यार। गुड बढ़िया खेला यार इसने, एक रन। रन के लिए दोनों बल्लेबाज मोड़ते हुए और यहाँ पर बने हुए लगातार। ओए छक्का यार, छक्का छेरान पक्का। तो यार काफी गजब का छक्का था ये। कितना हो गया स्कोर, 14 रन। लगातार तेज बल्लेबाजी की दरकार है इधर। नहीं तो ये सब चार जाने थे यार, ये वाला भी चार जाता है। एक रन आता है तो यहाँ पर पूरा काम होना है अभी इसलिए। तीन ओवर फिनिश हो चुके हैं और 16 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। तो आप चलते हैं वापस चौथे ओवर की ओर। हमारा चार रन, मिसफील्ड हो गई यार। जनता जनार्दन काफी उत्साहित है यार आज, क्योंकि फाइनल मैच है। चार रन तब्दील होती हुई और ओवर की समाप्ति का भी इशारा आता हुआ। तो कितने हो गए, चार ओवर की समाप्ति का स्कोर है इस समय 30 रन। 30 रन चार ओवर समाप्त, एक विकेट के नुकसान पर। एक रन लॉन क्षेत्र में और दूसरे रन के लिए बच गया, स्पीड होगी वाइट से काफी बाहर छोड़ दिया उसको, जाने दिया विकेट कीपर के पास। एक और अच्छा रन वाइट के बैट पर आता हुआ। और खेल इस वक्त रुका हुआ है, अभी बॉलर जो इंजर्ड हो गया तो गेंदबाजी इस समय टांग बहुत खींच रहे हैं और सब छोड़ दीजिए है उनके द्वारा। इनके थोड़ा सा मानसिक स्थिति खिंचाव कर सकते हैं इस समय, खिंचाव आ गया बॉलर को। और इस बार अच्छा कैच हो गया यार, इसके नीचे खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं आउट हो गया।
पकड़ लिया हुआ इसने लगातार दूसरा विकेट लगातार सर लगातार दूसरा विकेट गिर चुका है और चार विकेट हो चुके हैं 44 रन पे तो आगे देखते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है बट मैच का कुछ कह नहीं सकते। नथो खान 11 ये खेल रहे अभी चार रन यहाँ पर थर्डमैन सभी और सीधे चार रन यहाँ पर पाई के तौर पर भेजा। गेंद अच्छी गेंद हल्का सा थ्रो यहाँ पर कलेक्ट करने से और बिना किसी रन के तो पाई के रन तो था 50 रन पूरे। थोड़ा सा यहाँ से देखने में चूक हुई है तो एक बार फिर देखो पंकज को एक गेंद स्विंग कराने की कोशिश की थी कि हल्की हाथों से फेंकी गई थी 100 रन की ओवर नंबर 50 का 7 ओवर की समाप्ति पे हो चुका है 50 रन स्कोर 4 विकेट थोड़ा सा दिक्कत महसूस करा शॉट छक्का नहीं यार कैच दिया बल्ले के बीच लेने में और अपना एक और विकेट का पतन यहाँ पर पंकज के रूम में ओवर समाप्त ओवर नंबर 8 आठवां समाप्त हो चुका है 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है नथोखान 11 का कितना 51 रन कमलेश ने बनाई थी वही मोहित और मोहित पर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। अंकित समाप्ति पर स्कोर है 58 रन यहाँ पर बचा सकती है शाबाश शाबाश भयानक शरीर है छक्का छक्का 6 रन थोड़ा सा रोमांच आता हुआ दर्शकों में दर्शक धीरे धीरे ग्राउंड से छोड़कर जा रहे थे थोड़ा सा अपने कदम रोके उसका बेहतरीन खेल लगे सीधे विकेटों में लगी यार सीधे और एक रन के साथ तो स्कोर क्या पहुंचा इसी सिंगल के सहारे 28 और 90 क्या कुछ कर पाते टीम के लिए स्विंग करते एक रन चुराने में सफल मोन्टी हाथों ने ड्राइव किया बेहतरीन शायद यहां के किसान और इतनी अच्छी फील्डिंग नीरज की यहां पर अरे तो नीरज काफी बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं शुरू की भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ यार नीरज बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं कैच कैच छठा विकेट गिर चुका है सातवा यार 8वां विकेट लगातार से विकेटों का आना और जाना बराबर पूरी टीम ये तो बहुत जल्दी हार जाते लग रहा है इस फाइनल की तरफ जाते हुए नजर आ रही है 2 विकेट बचे हैं बस दिल से स्वागत अभिनंदन मुक्ते को वहां के खेल मैदान धारीमा में इसलिए तैयार के बाहर उठा ले अच्छा खेला सुनील जैसा बने हैं
और उस पल्ले का बाहर सीधा लिया था, लेकिन टेस्ट वो आता हुआ और जब तक शुरू आता होता एक रन कम्प्लीट। इस बार गए थे यासी से बीस रन क्षेत्र में जाती हुई है, जब तक तो अभी 12 ओवर में 75 रन हो चुके हैं और 9 विकेट गिर चुके हैं, तो एक ही विकेट बचा है। चार रन हो रहे हैं, बच गया, चार रन हो गया। तो 112 रन की समय बल्लेबाजी की और अब गेंदबाजी में अपना हाथ आजमाते हुए और 112 रन बनाए इसने, देखे तो 112 रन बनाए इसने जो बॉलिंग कर रहा है, पूरा किया था उसमें एक विकेट दिया था, इसमें फिर से तैयार और इस बार खेल दिया गया तो लॉन्ग की तरफ गए जाती है और जब तक वहां पर फील्डर आते गेंद बाहर छक्का 6 रन सिक्सर का इशारा आता हुआ। एक और छक्का लगातार 6 रन ओवर की समाप्ति का भी इशारा था, तो ओवर की समाप्ति का स्कोर है इस समय टोटल अगर देखिए 9 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर 93 रन और 9 विकेट 7 ओवर का खेल अभी भी व्हाइट से बाहर गए सीधा रेगा से चार रन आते क्रिकेट के लिहाज से चार रन और चार रन चार रन में नहीं जीतते तो नहीं है यार, कैसे भी करके बची हुई इसके बाद अरे नहीं है 6 ओवर का खेल 100 से भी ज्यादा रन चाहिए लोगों को कुछ खेल से सामान दिया सामान लेने के साथ ही निकल पड़े नॉन स्ट्राइक आउट भी हो सकता था यार वो अगर दीपक भरगली का रन काफी चाहिए। इस बार गेंद को खेल दिया ऑफ साइड पर गेंद बच गया अच्छी बैटिंग इस बार की सरकार इस बार गेंद को कट गया है एक रन ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसी बॉल का दी यार ने व्हाइट ये तो 2-3 टिप्पे में आई ना हाँ 2-3 टिप्पे में पहुंची यार वहाँ अरे यार इंद्रदेव की कृपा तो सभी को चाहिए यार हैं फिर व्हाइट दे दी तो बल्लेबाज इंद्रदेव की काफी दूर नजर आ रहे हैं अरे इंद्रदेव को बहुत याद कर लिया है इन्होंने यार क्या है छक्का चौका कुछ भी नहीं अरे क्या था छक्का यार छक्का 6 क्या है 6 रन हमारी ओवरकांडा ब्लॉक को इस समय बारिश की दरकार है और इस बार गेट को खेला लोगों से लॉन्ग ऑफ में इस बार सुनील के द्वारा अच्छी फील्डिंग क्या रोक रहा है यार रोक दे रहा है तो एक महत्वपूर्ण साझेदारी और हार जीत का अंतर तय करेगी रोक दे रहा है खाली बोल दो तब कह रहे मौसम कितना भयंकर हो गया रामगढ़ से शुरुआत करें रामगढ़ उसके बाद उसके अलावा ठुक ठुक लगे रहो ठुक ठुक लगे रहो आज कमेंटेटर भी कह रहा है बारिश हो जाए वो इनका सपोर्टर है ना इसलिए लेटे होगा सभी छोटे दर्शक इस ग्राउंड में पहुंचे हैं और उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। इस बार गेंद का बाहरी सीधा लिया था लेकिन गेंद कीपर से दूर रह गई ओवर की समाप्ति कितने रन हुए तो अगर 16 ओवर की समाप्ति पे 115 रन और 9 विकेट हेलमेट में लगी यार रन के लिए धोनी बल्लेबाज मोटे हुए और आसानी उतनी बेहतर फील्डिंग के साथ टाइम के करीब और बजिया एक और रन अब यहाँ से चाहिए अगर देखे 90 रन और चाहिए 3 ओवर बचे हैं बस अगर देखे टोटल
फिर व्हाइट का इशारा आता हुआ था वो काम नहीं करता है बल्लेबाज और इसने यह जरूरी काम करती है आउट 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 हो गया भाई फिनिश। सर फिलहाल मैच खत्म हो चुका है और टीम जीत चुकी है नतवा खान की। तो यार इस फील्ड के बारे में कुछ और मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि ये अभी हमारे ग्राम सभा में सबसे पहला जो है फील्ड है। तो 2023 में इसका उद्घाटन हुआ है तो ये अभी पहला टूर्नामेंट है यहाँ का हमारे गांव का। तो मुझे बहुत गर्व भी हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे गांव में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कि अब ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे भी यहाँ पर अब खेल होंगे। सो अभी नीचे भाषण वासण चल रहा है और एक टीम जीत चुकी है देखते हैं। तो यार यह फील्ड और यहाँ पर जो है अभी चल रहा है भाषण वासण अभी पूरे टीम और पूरे जनता जनार्दन वहाँ पर हैं। तो अभी जो कप देने का जो सिलसिला होगा जो फाइनल का जो है कप वप और मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज वो सब यहीं पर से होगा। अभी लेके चलता हूँ आप लोग को। तो यार जैसे कि देख सकते हो कप यहाँ पर और ये सारी टीमें कृपाल सिंह गंगवाल जी और टीम कैप्टन भी पहुंचेंगे और अच्छा प्रदर्शन रहा दोनों का टीमों का और रोहित भैया को भी बधाई इस अच्छे प्रदर्शन के लिए और कंग्रेचुलेशन कि आप लोग आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। और बिना टीम को इस समय माननीय नागन सिंह नेगी जी और मोहन सिंह रेखवाल जी कोविंद फटियाल जी सुनील पांडे कन्ने पांडे जी सभी सदस्य ट्रॉफी प्रदान करते हुए चैंपियन टीम ही चल सकी। तो यार फिलहाल नतवा खान की टीम जीत चुकी है तो दोनों ही टीमें जो थी नतवा खान की ही थी। तो अभी कार्यक्रम जो है अभी लास्ट का चल रहा है मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज। तो मौसम बहुत खतरनाक हो गया है बारिश हो रही है हल्की फुल्की होने लग गई है। तो अभी अब वापस जाने वाला हूँ मैं घर को क्योंकि आज का मैच देखने में मज़ा ही आया। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।